जी आज फिर हम आपको एक और नई एपिसोड एक घर लेके जा रहे हैं, उनका रहन सहन, उनका स्टाइल, खाना पकाने का किस तरह का है, कौन लोग हैं, उनसे आपको हम मुलाकात कराएंगे। ये कराची की मशहूर जगह है डिफेंस में, फेज़ 8 में, ख्याबान तारिक। तो चलते हैं सिद्रा भट्ट के घर। वेलकम श्री आंटी, हाउ आर यू? बेटा बहुत शुक्रिया, कैसी हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर, इट इज़ सो नाइस ऑफ यू। माई प्लेजर। और आप, मैंने सुना आप भी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। बस थोड़ा कोशिश करती हूँ। तो आप क्या आज बना रहे हो? मैं आज सिंधी बिरयानी बना रही हूँ। आर यू सिंधी? यस आई एम सिंधी, आई एम हाफ सिंधी एंड आई एम हाफ पंजाबी। सो माई मदर इज सिंधी एंड माई फादर इज कश्मीरी भट्ट, तो हमारे उसमें कुछ थोड़ा सा मिला जुला। आपको कश्मीरी खाने भी आते होंगे? दोनों आते हैं, बहुत अच्छे नहीं आते लेकिन कोशिश कर लेती हूँ। कोशिश कर लेती हूँ। पर अच्छी रेसिपीज तो होंगी मम्मी की, डैडी की? हाँ जी। और फिर मेरे हस्बैंड जो हैं वो उर्दू स्पीकिंग हैं। अच्छा। तो मेरी सास भी खाना बहुत अच्छा बनाती थी। अच्छा। उनके भी कुछ रेसिपीज हैं जो 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 नहीं होते, जो लेगेसी वाले रेसिपीज होते हैं कि उनकी अम्मी ने बनाया था फिर उन्होंने बनाया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बस ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? ये मेरी एक और बहुत अच्छी डॉक्टर है। खैर डॉक्टर दोस्त हैं लेकिन बहुत प्यारी डॉक्टर है। बहुत आप खुद भी बहुत ऑलवेज हेल्पफुल, वेरी नाइस, फोन करो, बहुत स्वीट, वेरी स्वीट। और आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा तो मम्मी सिंधी, अबू कश्मीरी पंजाबी एंड योर हस्बैंड इज उर्दू स्पीकिंग। ओके। एंड देन माय मदर की जो, मेरी मदर की जो मदर है वो हाफ पठान है, तो सारे हम वो पूरा पठान। तो एक घर में सारे रीजन सारे हैं जी, हमारे यहाँ कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ कभी। अच्छा, सिंधी भी, पंजाबी भी, पठान भी, बिल्कुल वो वाला कभी नहीं हुआ कि हम सिंधियों में नहीं देते और हम पंजाबी में नहीं देते। सबको जहाँ जहाँ जिसकी शादी हो। हाँ ये अच्छा होता है, सही बात है, सारे एक जैसे ही हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है उससे। और तस्नीम आप कैसी हैं? खाना अच्छा बनाती हैं आप भी? मैं बनाती थी, अब तो नहीं बनाती ज़्यादा, अब ज़्यादा हॉस्पिटल के काम में इन्वॉल्व होती हूँ तो खाने का कम ही होता है। अब सिद्रा संभालती है ना सर। सही है। और आपने क्या क्या सिखाया सिद्रा को? सिद्रा को सिखाया इसी तरह जैसे मैंने अपनी अम्मी से सीखा। अच्छा। बिकॉज शी फॉन्ड ऑफ कुकिंग, शी इज, शी बिकेम फॉन्ड ऑफ कुकिंग आफ्टर शी गॉट मैरिड। जब शादी हुई है तो उस वक्त मैं कुकिंग नहीं करती थी, तो मेरी सास ने मुझे कहा था तुम फिक्र ना करो मैं तुम्हें सिखा दूंगी, मगर उनके साथ अनफॉर्चुनेटली इतना लंबा टाइम ही मेरा गुजरा तो बस। मगर फिर उसके बाद पिक की और मियाँ, वो द वे टू माय हस्बैंड्स हार्ट वाज थ्रू हिज टमी, तो वो फिर करना पड़ा। इज योर हस्बैंड फॉन्ड ऑफ कुक? नो, ही इज, ओ वेरी मच, ही इज अ कश्मीरी, वो कैसे नहीं हो सकते। आपके मियाँ को भी खाने का शौक? बहुत शौक। अच्छा, बहुत अच्छा खाना जी। मगर उनका और हमारा फ़र्क है कि हम सादा खाना ज़्यादा खाते, कम मसाले, कम, जैसे मेरे हस्बैंड का होता है जैसे रौनक हो और वो तेल हो ऊपर से, वो तेल नहीं है तो ये तो बिल्कुल बेकार होगा, ये तो अच्छा नहीं होगा। मेरी तरह बिल्कुल तेल के बगैर खाना कैसा करता है? आई डोंट नो। मैं अपनी अम्मी से लड़ती, सूरती ही आती है उससे, मैं लड़ती थी उनके तेल या घी व्हाटएवर होता था वो तैर रहा होता था ना खाने, जो भी हो खाना बहुत टेस्टी होता था उनका, मगर वो भी तेल का इस्तेमाल इसी तरह, तेल के बगैर खाना कैसे बनेगा।
निहारी जैसे कभी आती है सुलेमानी निहारी, अच्छा जी देखो उस पर से सारा तेल हटा देना, सो दैट इज सुलेमानी निहारी। अब वो निहारी रखी हुई है, उसको देख के लग रहे हैं पता नहीं किसी कैद खाने का खाना नहीं क्या है, इस पे रौनक तो डालो, रौनक के बगैर कौन खाएगा इसको। आज जब संदीप बिरयानी बना रही जी बिल्कुल संदीप, हम चलें आपके किचन की तरफ। बिल्कुल जरूर चलें, मोस्ट वेलकम, चलते हैं। आपका घर भी इतना माशाल्लाह खूबसूरत है, तो ये so किसकी चॉइस से बना हुआ है घर? ये मेरे पेरेंट्स दोनों का है आइडिया भी, और जो डिज़ाइन है वो मेरी, बिकॉज मैं जब ये घर हम यहाँ मूव हुए थे मैं बहुत छोटी तो नहीं थी, बट आई वॉज़ यंगर, आई से आई वॉज अबाउट 16-17, तो उस वक्त फिर मेरा उतना इसमें इंटरेस्ट भी नहीं था, माई मदर वॉज वेरी इंटरेस्टेड, तो डिज़ाइन डॉक्टर शी वॉज इंटरेस्टेड। जी जी, तो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट पूरा जो था वो मेरी मदर का था, उन्होंने सारा कुछ अप्रूव किया था कि सीढ़ी ऐसे होनी चाहिए और ये यहाँ पर ऐसे होगा, और जिस तरह से जो भी प्लेसमेंट आपको हर चीज़ की नज़र आ रही है वो उसमें सारा हाथ जो है वो मेरी वालदा का है। अब तो ये और ये जो सारा मार्बल और ये सारा था, ये इन्होंने बैठ के लिटरली इतना, मैं कह सकती हूँ कि इन्होंने रगें जोड़ी थी टाइलों की, वो जो लाइंस नहीं होती इन्होंने खुद किया था। जिस दिन मार्बल का फ्लोरिंग हो रही होती थी उस दिन ये यहाँ पर बैठी हुई होती थी स्टूल डाल के और देख रही थी और मैं इनको कह रही हर कमरे की मैंने की थी, मैं इनको कह रही होती थी इट्स नॉट वर्थ इट, लेकिन शी वुड नॉट लिसन, नहीं नहीं तुम्हें नहीं पता रगे मैच होनी चाहिए, कलर डिफरेंट होता है ना तो वो फिर। चलिए श्री आंटी पहले तो आप थोड़ा सा कुछ पी लें और फिर हम डेफिनेटली चलते हैं, मैं थोड़ी देर बाद लूंगी, आई थिंक आई विल हैव विद माय लंच, विद योर लंच, या चलिए बिल्कुल ठीक है, तो हम चलते हैं। चलिए आ जाइए, आइए श्री आंटी। तो आज मैं बना रही हूँ सिंधी बिरयानी, ठीक है। तो सिंधी बिरयानी के पहले मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, ठीक है, आई लेट यू नो कि क्या क्या है एंड देन हम कुक करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने ले ली एक मुर्गी, एक चिकन, कढ़ाई कट जैसे 16 या 18 पीस जैसे आपके घर में हो उस तरह कर लें। फिर मैंने ली एक चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी हल्दी का मतलब आधा चम्मच कर लें आप, एक चम्मच नमक, सूखा धनिया एक चम्मच, गरम मसाला एक चम्मच, ये हमने लिए हैं गरम मसाला साबुत जो हम डालेंगे चावलों में उबालने के लिए, और ज़ीरा, और ज़ीरा एक चम्मच, ठीक है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा है, तकरीबन 4 टमाटर स्लाइस्ड और 4 आलू और ये 4 प्याज, प्याज, ओके। और प्याज जो है ये भी इसी तरह आप लंबी लंबी भी काट सकते हैं, गोल भी काट सकते हैं, इसको आपको ब्राउन करना है, फिर इसको ब्राउन करेंगे, इसको ब्राउन करने के बाद। और सिंधी बिरयानी तो आलू के बगैर बनती ही नहीं, बिल्कुल नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती। बॉम्बे बिरयानी में और सिंधी बिरयानी में ये मेजर फर्क है कि बॉम्बे बिरयानी और ये दही, और ये दही है, इसमें हम सारे मसाले मिक्स करेंगे और फिर हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलें अपने, चलें फिर हम चलते हैं और शुरू करते हैं। जी जनाब, यहाँ दही थी आधा किलो, उसमें सिद्रा ने सारी मिक्स कर दिए चीज़ें, लाल मिर्च, धनिया, ज़ीरा, साबुत गरम मसाला, हल्दी, सब कुछ डाल दिए, एक एक डेढ़ डेढ़ टीस्पून। अब इसको मिक्स करेंगे, अब इसको हम मिक्स करेंगे ऐसे करके अच्छे और तरीके से, चिकन जाएगी बिल्कुल, इसको ऐसे हमने किया अच्छे तरीके से, इसको ऐसे कर देंगे कि बिल्कुल सारा डिसॉल्व हो जाए। मुझे आलू बुखारा भी डाला है, हाँ 6 आलू बुखारे, 6 आलू बुखारे, और अब हम इसको डाल देंगे इसके ऊपर, ये हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए करते हैं, जितनी देर में हमारी प्याज ब्राउन हो जाए, बस सिर्फ उतनी देर, कि आप इसको ऐसे रखें कि ये थोड़ी देर उसमें वो हो जाए। अब हम डालेंगे ऑयल, हसबे ज़रूरत जितना आपको ज़रूरत लगे उसके हिसाब से आपने ऑयल डाला, हाफ कप ऑयल, हाफ कप ऑयल जी, और ये हमने डाल दी 4 प्याज, 4 प्याज। अब इसको हम करेंगे ब्राउन, और ब्राउन जो है वो ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है,
बस हल्का गोल्डन ब्राउन, जैसे हल्का ब्राउन करना है। और ये मैंने यहाँ पे पानी रख दिया है जो हम चावल उबालेंगे। टेस्ट कर दो बेटा। हाँ जी, हाँ हो गया टेस्ट। गरम मसाला डालेंगे उसमें। बिल्कुल, अभी जब उबल जाएगा तो फिर हम उसमें साबुत गरम मसाला डालेंगे। जी, वो डालेंगे ताकि उसमें वो महक जो आती है गरम मसाले की, इलायची और दालचीनी वगैरह की, वो आए। अच्छा श्री आंटी, आपको ये पता है कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि मैं आपके सामने खाना बना रही हूँ एंड आई एम अ फैन ऑफ योर्स। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बचपन से आपको देखा है खाना बनाते हुए एंड मेरी मदर भी आपको बहुत उससे पसंद करती हैं। अच्छा, मुझे आज आप एक बात बताएं कि आप बचपन से जब मुझे खाना बनाते हुए देख रही हैं तो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम मी एंड व्हाट डिड यू इंस्पायर फ्रॉम मी, लाइक यू नो, क्या आपको आपका जो पैशन है फॉर कुकिंग, बिकॉज आप इतने अरसे से कर रही हैं, इंसान होता ना थोड़ा टाइम करने करके आप एक पॉइंट पर आकर बिजार हो जाते हैं कि अच्छा भाई बस, यू नो, बहुत हो गया। हाउसवाइफ भी जो है खाने बना के बिजारी होती है, लेकिन आपका जो एक पूरा डिमीनर है और एक पूरा एक आपका जो इमेज है उसमें इतनी एक फ्रेशनेस होती है। एवरी टाइम यू कम ऑन टीवी एंड यू आर टेलिंग अस समथिंग, कोई नई चीज़, कोई नई बात, तो वो देख के नई एक्साइटमेंट होती है कि आज ये पकेगा तो फिर। एंड यू कीप ट्राइंग माय रेसिपीज। आई डू ट्राई योर रेसिपीज, डेफिनेटली, फॉर श्योर। अच्छा जी, देखें ये प्याज हो गई हमारी ब्राउन, अब हम इसमें डालेंगे बाकी की चीज़ें। इसमें हमने पहले ये ऐड किया अदरक लहसुन, ठीक है, 2 टेबलस्पून। जी, 2 टेबलस्पून। फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर, ठीक है, अच्छा टमाटर भी पानी छोड़ेगा। फिर हम इसमें डालेंगे मैरिनेटेड चिकन, ये पूरे का पूरा बस इसमें ऐसे करके इसको हमने डाल दिया। और फिर हम इसके साथ ही इसमें डाल देते हैं आलू, इसलिए कि चिकन से बन रही है तो साथ ही गल जाएगा, गल भी जाएंगे और उसमें फ्लेवर भी आ जाएगा। जो मसाले का फ्लेवर है वो आलूओं में होना चाहिए। वैसे लोग बहुत सारे जो है वो आलू उबाल के भी डालते हैं, उबाल के फ्राई कर, हाँ जी, लेकिन उसमें वो मुझे लगता है कि उसमें वो फ्लेवर नहीं आता। तो आई फील कि अगर आप मसाले के अंदर ही आलू डाल दें तो वो ज़्यादा फीजेबल होगा। अब हम ये करेंगे कि हम इसको, ये जो बन रहा है, क्योंकि अभी टमाटर भी पानी छोड़ेगा और दही भी इसमें है, तो पानी तो इसमें जाएगा ही नहीं। अब हम बस ये करेंगे कि इसको ढक देंगे और इसको अब हम दम पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक कि ये पक के रेडी हो जाए। ये मैंने इसके ऊपर ये रख दिया और इसकी मैं आंच थोड़ी सी हल्की कर देती हूँ। दैट्स इट, ठीक है। तो अब हम जब ये रेडी हो जाएगा तो आप इसके ऊपर चावल डाल देंगे, चावल की तरह चावल डाल के फिर दम पे रख देंगी। बिल्कुल, ठीक है, फिर हम ट्राई करेंगे आपके डाइनिंग टेबल पे। बिल्कुल ज़रूर, ठीक है नाज़रीन, तो आपको समझ आ गया होगा। मैरिनेट किया चिकन को सारे मसालों से, तेल गरम किया, प्याज ब्राउन की, प्याज ब्राउन हो गई, अदरक लहसुन डाला, अदरक लहसुन के बाद टमाटर डाला, मैरिनेटेड चिकन डाल के एक हाथ चलाया, फिर आलू भी साथ डाल दिया। आलू डालने के बाद उसको कवर कर दिया बिकॉज दही का पानी निकलेगा, चिकन का पानी निकलेगा, तो इस वजह दही का निकलेगा, पानी नहीं डालेगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे डाइनिंग टेबल। जबरदस्त खुशबू आ रही है सिद्रा, अब ये तो आप खा के ही बताएंगी कि कैसी है। ट्राई करें, चलें बिस्मिल्लाह करें, प्लीज हैव, आप शुरुआत करें फिर हम आपको फॉलो करें। वी आर वीमेंस एंड वी कांट हैव बिरयानी विदाउट आलू। आई सी। आपको कैसे पता है? मैं, मुझे हंसी आ गई बिकॉज मेरी कजन है, जब आती है ना तो कहती बाजी बिरयानी बनाए, तो मैंने कहा बनाने का फायदा क्या, बिरयानी तुम खाती तो कुछ हो नहीं, कहती आलू तो खाती हूँ। सही बनी है, बहुत अच्छी सही बनी। जोया, आपको मम्मी के हाथ का क्या खाना पसंद है?
मुझे बिरयानी 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 पसंद और निहार और निहार और निहारी निहार और नानो के हाथ का फिश मछली जी नानो के हाथ का फिश नानो कम बनाती है नानो और बहुत कुछ करती हैं कोई बात नहीं है व्हाट डज योर हस्बैंड लाइक इन फूड फूड में बिकॉज वो दिल्ली वाले हैं तो उनको हर तरह का खाना जिसमें बहुत सारी रौनक हो तेल निहारी पाए निहारी कोरमा पाए इस तरह की जो भी चीज़ आप खिलाएं वो बहुत बिरयानी यू नो जो शादी में खाने नहीं होते अच्छा वो उनका बस चले तो वो रोज़ वही खाना खाते हैं और सबसे ज़्यादा मीठा और मीठे के बहुत अच्छा मीठा बहुत ज़्यादा ये भी ये अपने अब्बा पे है आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई तस्लीम थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ओवर सिद्रा आपका बेहद शुक्रिया थैंक यू सो मच मेरा फैन मोमेंट रियल बनाने के लिए बहुत अच्छा वेरी नाइस आई लव मीटिंग योर चिल्ड्रन एंड स्पेशली योर लिटिल बेबी प्रिंसेस एक बेबी और 6 महीने की माशाल्लाह लीजे विद कलर्ड आईज तो बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इंशाल्लाह आपसे एक और जायके घर घर की एपिसोड में मिलेंगे अब देखते हैं वो किसका घर है वो क्या बनाएंगी वो क्या खिलाएंगी वो तो आपको उस वक्त ही पता चलेगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जायके घर घर के अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़